नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार। और अभी जो लगातार बातें चल रही हैं सरकार गिराने को लेकर, और इसमें जो जो नाम आए, जिसमें हजारीबाग के बरही के विधायक हैं उमा शंकर अकेला, अमित यादव, इन सबों का भी लगातार नाम आ रहा है। इसी विषय पर उमा शंकर अकेला ने क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोरे कागज है ये जो आरोप लग रहा है। तो हमने सरकार बनाई थी काहे को, उसी समय सरकार हम लोग की नहीं बनानी चाहिए। और हम लोग सेकुलर विचारधारा के एक साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनाई है, उसको कोई नहीं गिरा सकता है। और अकेले कोई विधायक चाहेगा, कांग्रेस पार्टी के या एक वो दो गो विधायक चाहेगा कि सरकार गिर जाएगी, तो बिल्कुल एक गलत बात है। गिराना होगा तो 12-13 को विधायक जब टूटेंगे तब सरकार गिरेगी। और हम गिरा करके किसकी सरकार बनाएंगे, जो 200 रुपये करवा तेल बेचवा रहा है भारतीय जनता पार्टी, 100 रुपये डीजल और पेट्रोल बेचवा रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो किसानों पर लाठियां चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी सरकार हम बनाएं भारत में, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोरोना के टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को पैदल चला दिया, उसकी सरकार हम बनाना चाहेंगे, ये तो बिल्कुल मेरे जहन में नहीं उतरता है। मैं किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को, मैं झारखंड में क्या, भारत में हम चाहते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और किसानों को जो मांग है उसको दिलाने का काम करेंगे। तो आपने सुना, सारी बातों से साफ इनकार कर रहे हैं उमा शंकर अकेला, और कह रहे हैं कि 1 करोड़ की क्या बात है, अगर 50 करोड़ भी कोई देगा तो हम लोग उस सरकार को नहीं लाएंगे। और इसी बीच उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा भी। क्या कहा है दिल्ली जाने के प्रवास पर, आइए सुनते हैं। अब तो दिल्ली जाना कोई गुनाह है यदि जो, तो नहीं कैसे जाए दिल्ली, दिल्ली में हम लोगों को क्षेत्रीय दल तो है नहीं, हम लोग राष्ट्रीय दल के विधायक हैं, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में रहते हैं, हमारे प्रभारी दिल्ली में रहते हैं, तो क्या हम लोग दिल्ली नहीं जाएं, अपनी बात को नहीं रखें तो किन के पास रखेंगे। ये तो मत समझिए कि आप लोग जैसे आदमी सोचेंगे 1 करोड़ रुपया हम एक विधायक को खरीदने में, 1 करोड़ रुपया में हमको डील हो गया सरकार गिरा देंगे, 1 करोड़ रुपया में कोई खरीद सकता है, 50 करोड़ रुपया भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई डील हमको करता तब भी मैं उसको स्वीकार नहीं करता। कारण है मैं बता रहा हूँ, हम लोग हैं लोहिया कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी, हम लोग हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अनुयायी, हम लोग सेकुलर विचारधारा से राजनीति करते हैं, कम्युनल विचारधारा से राजनीति नहीं करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर हेमंत जी की सरकार नहीं गिरेगी, 5 साल रहेगी और 2024 में दोबारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का। तो ये थे उमा शंकर अकेला, जो लगातार इस बात की सफाई दे रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है, जो पूरा प्रकरण है, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है, कोई हाथ नहीं है, और हेमंत सरकार स्थिर रहेगी और अभी फिलहाल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।